जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी अकेडमी पर। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली एस एस सी जी डी से रिगार्डिंग बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है कि सर एस एस जी डी की सीटें बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, या कितनी पोस्टें बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो कितनी सीट बढ़ेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि एस एस सी जी डी का अब तक का जो ट्रैक रहा है, 2011 वाली वैकेंसी में भी सीटें बढ़ाई गई थी, 2015 वाली जो वैकेंसी थी उसमें भी बाद में सीटें बढ़ाई गई थी, 2018 वाली वैकेंसी में भी बाद में सीटें बढ़ाई गई थी, और 2011 वाली की तो 13 में वेटिंग लिस्ट भी निकाली थी, 2015 वाली की भी बाद में वेटिंग लिस्ट निकाली थी, 18 की अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं आ सकती है वेटिंग लिस्ट भी, क्योंकि बाकी दो वैकेंसियों की वेटिंग लिस्ट आई है सीटें बढ़ के। तो और बीच में भर्ती के दौरान, क्योंकि आईटीबी इसकी जो नोटिफिकेशन आती है एसएससी की, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि इसकी सीटों में इतना इजाफा या कम किया जा सकता है। तो इस बार कितनी सीटें बढ़ेगी इसके बारे में, उससे पहले एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की तो कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कमांडो अकेडमी आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और एसएससी जीडी की और आर्मी की तैयारी, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी मात्र 150 रुपये में आपको संपूर्ण कोर्स रिकॉर्डिंग, यानी इसमें साइंस की क्लासें, मैथ की क्लासें, रीजनिंग क्लासें, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, साथ में लाइव क्लासें भी मिल जाएगी और टेस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा लाडलू या आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी 150 रुपये में कोर्स है, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो भी 150 रुपये में कोर्स है, यानी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं मात्र 150 रुपये में। कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन, वीडियो, पीडीएफ फाइल्स, उसके साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। साथ में अगर आप हमारे अकेडमी में आकर तैयारी करना चाहते हैं एसएसजीडी की, तो एसएसजीडी की हम गारंटी पे चलाते हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो हम आपकी पूरी की पूरी फीस वापस कर देते हैं, यानी सिलेक्शन नहीं तो फीस बिल्कुल पूरी वापस आपकी, ठीक है। सिलेक्शन होता है तो फीस रखते हैं, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी फीस वापस कर देते हैं लाडलो। तो आप हमारे एकेडमी अगर देखना चाहते हैं तो कमांडो एकेडमी चैनल पर जाइए और हमारे एकेडमी का वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आर्मी एकेडमी पर भी एक वीडियो कमांडो एकेडमी का आप देख लीजिए हमारी एकेडमी किस प्रकार से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बार जो एसएससी जीडी में जो सीटों की जो संख्या बढ़ाई जा रही है, आपने बहुत सारे बच्चों ने बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि अब इसमें 25,000 सीट ऐड किए जाएंगे सीआरपीएफ के, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं कि इसमें सभी में फिर से 6,000 पोस्ट बढ़ाई जाएगी, दो तीन न्यूज है तो बार बार वायरल हो रही है, टोटल 6,000 पोस्ट। एक अभी दो चार दिन पहले एक और पोस्ट आई थी जिसमें ऐसा बोला गया था कि इन दोनों में 12,000 पोस्ट इस बार और बढ़ाई जाएगी। तो ये तीन चार ऐसी न्यूज है जो वायरल हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो वायरल हो रही है वो है सीआरपीएफ की 25,000 पदों की वैकेंसी ऐड की जाएगी, क्योंकि सीआरपीएफ के 70 कैंप में एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड को लेके ये सारी की सारी विवाद उत्पन्न हो गए, उसके बाद से ये फिक्स हो गया कि इसकी सीटें बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। इसको लेके बहुत सारे चैनल पे भी आपने देखा होगा, आपको बताया गया होगा कि गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें बताया था कि सीआरपीएफ की 26,000 प्लस पदों की वैकेंसी खाली है, ये बात सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक साथ उसकी सीटें बढ़ाई जाएगी ये सत्य है। तो फिर आप मुझे बताइए कि बीएसएफ की इस बार गृह मंत्रालय ने जब यही नोटिस जारी किया था तब बीएसएफ की 28,000 पदों की वैकेंसी खाली बताई थी, जबकि बीएसएफ की 28,000 पदों की वैकेंसी आई है नहीं, 7-8 हजार के पास पास, ठीक है, 6-7-8 हजार के आसपास वैकेंसी आई है, यानी पूरी की पूरी वैकेंसी एक साथ ही फिलअप नहीं की जाती, पूरी की पूरी वैकेंसी एक साथ फिलअप नहीं की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये जो न्यूज है 26,000 पदों वाली या 25,000 पदों वाली पूरी की पूरी फेक है, ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि 25,000 सीआरपीएफ के पदों की वैकेंसी बढ़ाई जाएगी, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि बढ़ाई जाए वैकेंसी, क्योंकि हमेशा ऐसे जीडी में वैकेंसी पदों की बढ़ाई गई है समय समय पर, कम से कम 2-4 हजार की पदों की वैकेंसी तो एंड तक बढ़ी जाती है इसमें, ये पक्का है। कई बार एक ही वैकेंसी में 2-2 बार भी सीटें बढ़ा देते हैं, ऐसा हर बार हुआ, कई बार ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कि सीटें बढ़ाई जाए, लेकिन अलग से सीआरपीएफ की सीटें इसमें ऐड की जाएगी ऐसा बहुत मुश्किल है और होना भी बहुत मुश्किल है। अगर ऐड की जाती तो अभी ऐड की जाती, क्योंकि फिर फर्स्ट चॉइस के बिना कैसे सीआरपीएफ मिलेगी, इसलिए ये बात पूरी की पूरी क्या है, झूठी है लाड लो। अगर बढ़ाई जा सकती है इसमें कोई शक नहीं है कि आगे चल के वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ तैयारी में जान डालिए, बढ़िया से तैयारी करिए दम लगा के, ये ना सोचे कि 25,271 पोस्ट है आपके लिए, इतनी पोस्ट है आपको, इसके हिसाब से तैयारी करिए। अगर सीटें बढ़ती है तो आपके लिए अच्छी बात है, आपको और ज्यादा अवसर मिलता है, लेकिन आप तैयारी वाला जो मीटर है उसको खींच के रखिए, पूरा पकड़ के रखिए दबा के, तो आपका नंबर कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आपका अगर सीटें बढ़ेगी तो फायदा ही फायदा है, अब बढ़ जरूर सकती है इसमें कोई शक नहीं, आपको भी पता है क्योंकि एसएससी हर बार बढ़ाती है सीटें एसएससीजीडी में, इस बार भी बढ़ सकती है कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी न्यूज़ें पूरी की पूरी क्या लाड़ दूँ कि फेक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बढ़ाई जा सकती है आगे जाके सीटें। और अभी कोई भी बोल दे कितनी सीटें बढ़ाई जाएगी तो पूरा का पूरा झूठा है, पूरा का पूरा क्या है,
झूठा है, कोई नहीं बता सकता कि कितने सीटें बढ़ाई जाएगी अभी, ठीक है, ये कोई क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि जब बढ़ाई जाएगी तभी पता चलेगा कि इतनी बढ़ाई गई, और वो भी जरूर नहीं एक बार बढ़ाई, दो बार में तीन बार में भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी 2 से 3 साल तक चलती है, बीच में जैसे इनको जरूरत पड़ती है तो सीटें बढ़ा सकते हैं, ठीक है लाडलो। लेकिन हाँ ये ना सोचना, इसके लेके तैयारी करते रहना, काम अपने आप ही बन जाएगा, और कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत लाडना।